तो बहुत लगा है। और पहले जब फर्स्ट टाइम आते समय तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम भी था और आदमी कम था ना, तो अभी जितना समय होगा देखने से मतलब बढ़ते जा रहा है। उसके बाद में अभी आप 315 कुछ है, सब मेंटली प्रॉब्लम वाला है। तो उसके बाद में यहाँ में आने का मेरा मकसद ये नहीं है कि हम बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है दिखाने का, मेरा ऐसे बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है ना। तो हम चाहते हैं कि कोई देख के हमको भी हाँ हम लोग भी वहाँ जाना है देना है, ऐसे सोच के यहाँ में आया है। आप लोग का ये सोशल मीडिया ये न्यूज़ चैनल का द्वारा हम बताना चाहते हैं कि यहाँ में बहुत ज़्यादा लोग है जो मतलब फैमिली नहीं है जिसका ना, और खाने पीने में एक पागल आदमी तो बहुत खा सकता है ना। अभी मैडम लोग को मतलब बहुत कंट्रीब्यूशन भी दे रहे आदमी लोग ना, हम देख रहे हैं बहुत दे रहे हैं, लेकिन अभी मैडम लोग से बात किया एक आदमी आपका आलू एक बोस्ता जो जैसे कि मॉर्निंग का होता है वो, और अभी का इतना महंगाई का समय में सर और मैडम है बोल के है, हर कोई तो नहीं कर सकेगा 315 आदमी को ना। तो हम उस दिन बच्चा बर्थडे में ब्लैंकेट लोग भी लाया, आज लाते हैं हम कोई वो लोग फाड़ के फेंक देता है क्योंकि ज़्यादातर मेंटल वाला है। तो हम यहाँ से वही अपील करना चाहेगा कि आप लोग प्लीज़ आई है ना, मतलब खुद के लिए तो हर कोई जीता ही है, तो ये लोग के लिए हम लोग एक टाइम भी जीना वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग का बात है। हम हमेशा बोलते हैं कि आप खाली आया खाली ही जाएगा ना, तो कुछ हम लोग का द्वारा किसी को मतलब एक पल का भी खुशी देने से मदद देने से वो भी बहुत बड़ा बात है। इसलिए जितना भी मतलब पब्लिक लोग हैं आप लोग का हम अपील करते हैं कि प्लीज़ एक टाइम आइए। 5-10,000 तो हम लोग यूँ ही खर्चा करते हैं ना, ये लोग को एक टाइम भी खाने मिलने से वो बहुत बड़ा बात है। इसलिए आप लोग जो मदद करता ही है आप लोग से और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जैसे भी आइए वो के ना। थैंक यू। कहना चाहूँगा कि ये जो सेंटर है बहुत ब्लेस सेंटर है और कैपिटल का अंडर में है, और दीपक नाभम सर जो है रैली यहाँ में गोडली का काम कर रहे हैं, इज रैली ट्रूली सर्विंग द सोसाइटी। हमको लगता है यही तो गोड सर्विंग है, और खास कर ये सेंटर को मैं नहीं मालूम था जब दीपक नाभम सर जी का साथ में जोरम दोल सर हम लोग एक साथ हांगकॉन्ग भी विजिट किया था, मतलब टूर ट्रिप में एक साथ गया, फिर भी दीपक सर जी ने कभी नहीं बताया ये सेंटर ऐसा ही बोल के। लेकिन जो आप लोग का जो मीडिया थ्रोस है और मेरा खास के जोरम दोल सर जो गुजर गया और हम दोनों को मेरा जो सिस्टर है आपूंग यादई यहाँ में लेके आया, तो उसका बाद आपका मीडिया का थ्रोस है हम लोग का पब्लिक का सबका अपील सबका रिक्वेस्ट और सबका मतलब कंट्रीब्यूशन का कारण से थोड़ा एटलीस्ट आज आगे थोड़ा ये सेंटर बड़ा जैसा लग रहा है। फिर भी यहाँ में इतना मासिव नंबर है कि जो डेसीच्यूट ड्रग एडिक्टेड बहुत सारा है और मेंटली प्रॉब्लम वाला बहुत ज़्यादा है, और भी डेसीच्यूट लेगा जिसका जगह जमीन घर नहीं है वो ऐसे वाला बहुत ज़्यादा है। इसलिए मतलब हम देखिए एक आदमी को पालने के लिए हम लोग कोई कोई नहीं सकता, हम कुछ भी नहीं सकता, बहुत लोग को अपना फैमिली को संभल नहीं पा रहा है, और कोई कोई मतलब कुछ का हेल्थ को भी नहीं सकता है, उसका कारण से वो खा पी उल्टा सीधा करके अपना लीवर लंग्स को डैमेज करके कहाँ कहाँ मुंबई दिल्ली में मुंबई का कैंसर हॉस्पिटल में पहुँचा रहते हैं, और अरुणाचल का हाईएस्ट कैंसर है वहाँ ही बोलते हैं। तो हम लोग एक अपना एक हेल्थ एक ही बदन को भी संभल नहीं पा रहा है। तो यहाँ दीपक नाभम लिविंग होम में तो जो मैडम और सर दोनों 315 नोस ऑफ वार्ड को यहाँ में संभल रहा है बहुत बड़ा बात है। और बीच बीच में जैसे मेरा ये सिस्टर आपूं ग्यारी तानियंग जैसे जो वो भी एक एनजीओ चलाता है इस कमिंग में ये वो लोग का अपना सोसाइटी का तानियंग वेलफेयर सोसाइटी का चेयरपर्सन है, वहाँ से बीच बीच में आके यहाँ में कंट्रीब्यूशन देता है। मैं थैंक्स देना चाहूँगा इस तरह का बाकी सोसाइटी भी आगे आके बीच बीच में यहाँ में विजिट करने से ठीक है, और कंट्रीब्यूशन हो सके तो देने से बढ़िया होगा। और आदमी जब गुजर जाने के बाद कुछ एक दूसरा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन आज का दिन में, तो इसलिए आप लोग का प्रेयर पार्टनर का साथ सपोर्ट का साथ में कुछ कंट्रीब्यूशन बीच बीच में करते रहिए। खास के यहाँ का कैपिटल का पब्लिक है और बाहर का भी है वेल विशर है, स्पेशली जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में बैठने वाला है यहाँ में इतना दाना पानी रोज आप देखिए एक दो तीन या चार पाँच क्विंटल एक सुबह शाम चला जाता है, और खाना पीना आज में महंगाई इतना मार्केट का जो प्राइस जो भर गया रेट जो है कि एक टमाटर का ही एक 120-130 में जा रहा है, तो सब्जी में भी यहाँ में बहुत सारा एक दिन में 250,000 जाता होगा मैं ऐसे समझता हूँ। इसलिए पब्लिक को मैं भी साथ में अपील करना चाहूँगा प्लीज़ आप लोग भी आगे आइए। थैंक यू।
काफ़ी नंबर जब आप जिक्र किया है, ये सच बात है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है कि सारी दुनिया में हर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बड़े आसानी से आंख बंद करके चला सकता है, मैं दावे के साथ बता सकता है, क्योंकि वो आदमी एक आदमी नहीं चला रहा है, उसमें कानून होता है, नियम कायदा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। यदि उस रूल्स एंड रेगुलेशन को, उस कानून को यदि किसी को, उस बायलॉज को बताएंगे तो वो अपने आप ही डिसिप्लिन हो जाएगा। इस कारण हजार हजार आदमी को, मिलियन ट्रायल्स को एक ही आदमी चला सकता है, परंतु यहाँ जो लोग हमारे यहाँ पे संस्था में लाचार लोग हैं, विशेषकर डिसेबिलिटी में दो प्रकार की होते हैं, एक फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी को फिजिकल प्रॉब्लम में दिखाई देते हैं, परंतु जो दूसरा जो है मेंटल डिसेबिलिटीज होता है, मेंटल डिसेबिलिटीज को दिखाई नहीं देते, भले उनका हाथ पैर सब, कान नाक सब खूबसूरत होगा, सुंदर होगा, लेकिन उसका मानसिक जो है रोग होता है वो सबसे बड़ा समस्या होता है, उसका स्टेयरिंग ही ख़त्म होगी, गाड़ी कैसे चलेगा। इसी मापिक और इन लोगों को यहाँ एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300, 315 एट प्रेजेंट ऑन रिकॉर्ड। तो इन लोगों को चलाने में अभी तक, एट प्रेजेंट अभी तक जो सपोर्टिंग, जैसे अभी अपोंग ये जो ये ग्यादी मैडम है, उन लोगों, कुछ कुछ समाज में अच्छे लोग हैं, समाज में जैसे हम रात को आसमान में देखने से चमके हुए तारुगंज को देखते हैं, इसी प्रकार समाज में भी हर कोई गलत नहीं है, हर कोई खराब नहीं है, हर कर अंधकार नहीं है, समाज में भी कोई कोई अच्छे लोग हैं जो जिसका मन में प्यार का खुशबू है, उन लोगों का लाइक माइंडेड, उन लोगों का सपोर्टिंग के कारण ये सेंटर जो अभी, ये जो संस्था जो अभी चल पा रहा है। मैं अकेला नहीं, यहाँ पब्लिक का भी ऐसा हाथ है, जो लोग वेल विशर्स लोग हैं, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, और यहाँ आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया में, मास मीडिया में जितना यहाँ लोग सपोर्टिंग है, वाह वाह बहुत दे रहा है, ऐसे लगता होगा, लेकिन इन लोगों को सेवा करना ये किसी एक सुंग में गलत बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो एक कंपेरेटिव कर रहा है, सुंगर को चलाना जैसा एक हिस्सा होता है, क्योंकि उन लोगों का मानसिक कोई सेंस नहीं है, कपड़ा पहनना नहीं चाहता है, अभी नहलाएगा, अभी कपड़ा पहना, फिर पार देता है, फिर फेंक देता है, फिर गंदा कर देता है, तो ऐसे ऐसे करके कपड़ा उपड़ा में भी पूरा वेस्टेज कर देता है, और खान पान में भी सिर्फ खाना है उन लोगों को और दूसरा कुछ ये नहीं है। तो ऐसे यहाँ ज़्यादा ऐसे मतलब जितना आता उतना ही जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे चल रहा है। और इस बीच में अब तक मैं जो सपोर्टिंग मिल रहा है, अभी जैसे सोशल वर्कर्स लोग जो वेल विशर्स है, लाइक माइंडेड लोग हैं, उन लोगों का सपोर्टिंग के कारण चला आ रहा है। और अब मैं तो दावे के साथ बता सकता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल बता रही है आपो मैडम, उनका आना यहाँ नया बात नहीं है, वो तो लगातार बीच बीच में खबर लेता है, बीच बीच में चावल पहुँचा देता है, रेशन पानी पहुँचाता है, तो अपना माँ का रोल वो प्ले करा। ऐसे ऐसे अच्छे लोग जो समाज में एक अच्छा सेवा करने का प्लेटफॉर्म मिलने से और भी उन लोग अच्छा करेगा, तो ऐसे लोग ही हमारा समाज का एक एसेट होता है, समाज का प्रॉपर्टी होता है, मुझे तो ऐसा ही लगा। और इस कारण यहाँ अभी गवर्नमेंट से भी अपील कर रहा है, गवर्नमेंट में भी फाइल प्रोसेसिंग चल रहा है, और गवर्नमेंट भी मदद नहीं करा, वो हम अभी नहीं बोल सकते। अभी जैसे हमारे